Hello, welcome to Arvind Singh Academy. We are discussing some basic concept of chemistry, and this is a video lecture number 7. I hope you have already watched part 1 to part 6 before watching part 7. And in this lecture, we are going to discuss about the law of chemical combination, right? So, aaj hum law of chemical combination ki baat karte hain. Law of chemical combination. Laws of chemical combination. Chemical combination, laws of chemical combination. इसकी बात हम करते हैं आज. There are five laws which will govern. There are five laws which will govern the combination of elements to form compound. There are five laws which govern the combination of elements to form compounds. So in five laws की बात हमें करना है, right? ये five laws को obey करता है. जब भी कोई दो substance, दो elements combine करता है और एक कंपाउंड बनाता है, तो ये फाइव लॉज की बात करते हैं. इस फाइव लॉज में क्या क्या आएगा और उसकी क्या क्या चर्चा होगी. पहला जो लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. द फर्स्ट लॉ इज कॉल्ड लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ये सबको पता है कि पूरी दुनिया में जितना भी मास है वो ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. दिस लॉ सेज मास नाइदर बीइंग क्रिएटेड नॉर बीइंग डिस्ट्रॉयड. ठीक है, द टोटल मास को न तो बनाया जा सकता है न ही उसका डिस्ट्रॉय किया जा सकता है. इसका मतलब ये हुआ कि द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट व्हेन केमिकल कॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस देन दैट इज द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स जो रिएक्शन में भाग लेते हैं. Reactants is equal to total mass of product. जो output निकलता है उनका mass और जो reaction में भाग लेते हैं उनका mass दोनों ही दोनों बराबर होंगे. ठीक है, ये law ये कहता है कि mass जो होता है वो क्या होता है, constant रहता है. reaction में जितने elements participate कर रहे हैं उनका जो total mass होगा, जो आउटपुट बनेगा कंपाउंड का, उसका जो मास होगा वो दोनों सेम होगा. हम इसको अब एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी कर सकते हैं और एग्जांपल के जरिए भी कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैं ये कहूं कि H2 plus O2 is equal to बनता है क्या, 2H2O. H2O बनता है, तो यहाँ पे 2H2 plus O2 is equal to 2H2O. अब हाइड्रोजन की रिलेटिव मास को अगर 1 ग्राम मान लें तो ये 2 × 1 × 2, राइट, ये हो गए हाइड्रोजन के मास. ऑक्सीजन को 16 मान लें तो 16 × 2, सो टोटल 2 × 2 4 ग्राम प्लस 32 ग्राम, दैट इज 36 ग्राम से रिएक्टेंट का मास है. अब प्रोडक्ट का मास कैलकुलेट करें तो प्रोडक्ट का मास क्या होगा, 2 × हाइड्रोजन का 1 × 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, दैट इज 2 × 18, दैट इज आल्सो 36 ग्राम. सो 36 ग्राम यहाँ पे भी मास हो गया, यानी जितना रिएक्टेंट में हुआ उतना ही प्रोडक्ट में आया, कोई इसमें से कमीशन नहीं दिया, यानी कोई इसमें लॉस नहीं हुआ. तो मास नाइदर बीइंग क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एक सब्सटेंस से जो मास निकलता है वही दूसरे सब्सटेंस में जाकर के दूसरे फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है. और इस बात को सबसे पहले एंटोनी लेवेजियर, एंटोनी
लेवोजियर नाम के आदमी ने बताया था, और ये 1789 में एंटोनी लेवोजियर नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। ये एक फालतू की इंफॉर्मेशन है, बट फिर भी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है, आप जान सकते हैं। ये साइंटिस्ट जो थे उन्होंने ये बात बताई थी मास के बारे में, ये सबको पता है अभी तो, लेकिन उस समय छोटी छोटी बात भी साइंटिस्ट लोग बताते थे और अपना नाम दे देते थे, क्योंकि बाकी की जनता बहुत बेवकूफ थी और लोगों को इतना समझ नहीं आता था। ठीक है, तो ये तो पहला रूल हो गया। अब इसके बाद जो है वो दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल जो है वो है सेकेंड लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन। इस रूल का क्या मतलब है, इस रूल का क्या मतलब है ये समझते हैं, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन का क्या मतलब। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, केमिकल कंपाउंड फॉर्म्ड बाई टू एलिमेंट्स, टू और मोर एलिमेंट्स, और मोर एलिमेंट्स इन फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ देयर मास, फिक्स प्रोपोर्शन ऑफ देयर मास, ऑफ देयर मास, देयर मास इरेस्पेक्टिव ऑफ यू कैन राइट मास, इवन इरेस्पेक्टिव ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ, इरेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स, और इरेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स और अवेलेबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस, ऑफ द सब्सटेंस, राइट सब्सटेंस। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल दें कि कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके और O2 CO2 बनाए, ठीक है, ये इसमें इनकी जो रेशियो होगी कार्बन और ऑक्सीजन की, ये उतनी ही होगी जितना कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके अगर हम बना दें, हीट करें तो ये मिल जाता है CaO+CO2, तो इससे भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो वॉट एवर द सरकमटांसेज और सोर्स में भी, अलवेज यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन की रेशियो जो होगी वो फिक्स्ड होगी। कार्बन की कितनी है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 12, सो कार्बन का मास होता है 12 और ऑक्सीजन का 16:32, तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा मास का वो होगा 12:32, दैट इज 4 3 12, 3:8 ये रेशियो होगी, और ये रेशियो फिक्स होगी, दिस रेशियो इज फिक्स्ड फॉर ऑल कंपाउंड ऑफ CO2, ये चाहे जैसे भी बने, कंपाउंड ऑफ CO2 व्हाट एवर द सरकमस्टेंसेस एंड फ्रॉम व्हेयर एवर इट इज मेड ऑफ, तो जैसे भी होगा जहां से भी बनेगा, जब अगर CO2 बनेगा तो उसकी रेशियो यही होगी, एक कंपाउंड में एलिमेंट्स चाहे कार्बन ज्यादा हो या ऑक्सीजन की एक्सेस हो तब भी इतना ही बनेगा। इवन फॉर्मेशन के टाइम में हो सकता है कि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा हो, अवेलेबिलिटी अबंडेंट मात्रा में हो, तो भी इतना ही लगेगा, यही रेशियो होगी। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, अगला जो रूल है उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, थर्ड जो रूल है उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लेट मी राइट ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, राइट, सो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन। इस लॉ का क्या मतलब है, ये थर्ड लॉ है, और इस लॉ का क्या मतलब है, मल्टीपल प्रोपोर्शन का मतलब ये हुआ कि अगर एक ही कंपाउंड, दो एलिमेंट्स अगर एक दूसरे मिल करके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, अगर दो एलिमेंट्स मिल के एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो उनमें जो एक एलिमेंट का
जो दूसरे एलिमेंट के साथ कॉम्बिनेशन होगा वो हमेशा एक मल्टी इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। द डेफिनेशन इज, इफ टू एलिमेंट्स कंबाइंड टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, वन कंपाउंड मोर देन वन कंपाउंड, देन वन कंपाउंड देन वन एलिमेंट कंबाइंड विथ अदर एलिमेंट बाय इट्स फिक्स मास विथ अदर इन इंटीग्रल मल्टीपल इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मासेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ मास ऑफ अदर एलिमेंट अदर एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले एलिमेंट का जो मास होगा वो दूसरे एलिमेंट के मास के साथ जब कंबाइन करेगा तो अलग कंपाउंड के लिए अलग मल्टीपल में कंबाइन करेगा, यानी उनकी जो मास होगी वो अलग अलग रेशियो में कंबाइन होगी। इसको अगर एग्जैक्टली ऐसे बोले तो कह सकते हैं कि जो दूसरा एलिमेंट होगा उसका जो अलग अलग कॉम्बिनेशन होगा पहले एलिमेंट के साथ उनके मासेज की एक सिंपल रेशियो होगी, इसलिए इसको मल्टीपल प्रोपोर्शन कहते हैं, यानी मल्टीपल में होगा। रेशियो का मतलब क्या होता है? मल्टीपल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं ये ले लूं कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिल करके क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिल करके बनाते हैं H2O। अब इसमें क्या होता है, इस कॉम्बिनेशन में जरा देखिए, यही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के बना सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, राइट, सो H2O2 ये बना सकते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये वाटर बना और यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन गया। अब इसमें यहाँ पे क्या है जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये हाइड्रोजन के 2 ग्राम 2 ग्राम है और ऑक्सीजन के कितने हैं 32 ग्राम, राइट ना। सो अगर इसको पहले बैलेंस कर ले हम तो क्या होगा बताइए, ये 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2, राइट, इसमें हाइड्रोजन का 2 ग्राम ऑक्सीजन के 16 ग्राम के साथ कंबाइन किया हुआ है, इस कॉम्बिनेशन में H2O, और हाइड्रोजन का इसमें 2 ग्राम इसमें 32 ग्राम के साथ कंबाइन किया हुआ है, तो ये दो अलग अलग कंपाउंड बन गया। एक कंपाउंड ये है जिसमें हाइड्रोजन के 2 ग्राम इसमें 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद हाउ मेनी कंबाइंड विद 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन, राइट, ओ ऑक्सीजन का सिंबल वो लिख देता हूँ, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, और इसमें 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंड विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, राइट। तो ऐसा हुआ कि यहाँ पे रेशियो जो हुई ऑक्सीजन का ये 2 ही ग्राम है, हाइड्रोजन का तो सिर्फ और सिर्फ 2 ग्राम है, और 2 ग्राम जो है वो यहाँ पे 2 ग्राम सेम अमाउंट है, यहाँ पे 16 ग्राम के साथ कंबाइन कर रहा है, यहाँ पे 32 ग्राम के साथ कंबाइन कर रहा है, यानी 16 ग्राम और 32 ग्राम एक दूसरे के क्या है, मल्टीपल है, और कैसा मल्टीपल है, इंटीग्रल मल्टीपल है, यही बात हम कह रहे हैं कि ये जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल है, ये इंटीग्रल मल्टीपल है, 16 और 32 इंटीग्रल मल्टीपल है, तो ये इसी को कहते हैं कि मल्टीपल, 16 के मल्टीपल में कंबाइन करेगा या तो डबल या ट्रिपल या
फोर टाइम्स या फाइव टाइम्स, यही कह रहे हैं कि इंटीग्रल मल्टीपल में कंबाइन करेगा तो 16 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो 32 ग्राम के साथ कंबाइन किया, इसका मतलब इनकी रेशियो हो गई 16:32, दैट इज 1:2। तो ये मल्टीपल हो, ये इसका क्या है, मल्टीपल है, इसलिए मल्टीपल प्रोपोर्शन कहते हैं इसको, कि वन एलिमेंट कंबाइन विथ अदर एलिमेंट्स इन मल्टीपल प्रोपोर्शन ऑफ देयर मास। ठीक है, तो इस तरीके से ये हो गया 16:32 का 1:2। तो इस रूल के बाद अगला जो हमारा रूल है वो क्या है, चौथा रूल। इस रूल को कहते हैं गे-लुसेक्स लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, गैसियस वॉल्यूम, गे-लुसेक लॉ ऑफ गैस। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन गैसेज कंबाइन टुगेदर, व्हेन गैसेज कंबाइन और रिएक्ट टुगेदर, इवन से गैसेज रिएक्ट टुगेदर देन दे रिएक्ट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स, टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स। इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ दैट इज वॉल्यूम ऑफ वन गैस, दैट इज वॉल्यूम ऑफ वन गैस विद एंड वॉल्यूम ऑफ अदर गैस बियर ए सिंपल रेशियो, ए सिंपल रेशियो रेशियो विथ द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, विथ द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट, राइट। व्हाट इज दिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे मैं ये अगर ये कहूं कि हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस मिलकर के बनाते हैं, एक गैस बनाते हैं हाइड्रोजन गैस, तो इसकी कितनी वॉल्यूम है, वन वॉल्यूम हाइड्रोजन की, और क्लोरीन गैस की भी वन वॉल्यूम मिलकर के बनाते हैं, इसका भी वन वॉल्यूम, तो क्या बन जाता है, टू एच सी एल। इसके कितने वॉल्यूम बन गए, एच सी एल की एक वॉल्यूम है, दो से मल्टीप्लाई है तो टू वॉल्यूम बन गए, तो इसके टू वॉल्यूम बन गए, राइट ना। अब ये वन और वन की रेशियो आपस में है ही है, और इसकी वन की रेशियो इस टू के साथ 1:2 की है, इस वन की वन टू के साथ 1:2 की है, और आपस में भी इनकी रेशियो है 1:1 की। तो इस तरीके से ये एक सिंपल रेशियो में कंबाइन होते हैं। कुछ और एग्जांपल अगर लेना चाहे तो ये देख सकते हैं कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन मिक्स वाटर H2O, बैलेंस करो तो 2H2 + O2 = 2H2। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे टू वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, वन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एंड दिस इज टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो यहाँ पे इस तरह से कंबाइंड हुआ। इसकी इसके साथ रेशियो 1:1 है, इसका इसके साथ रेशियो 1:2 है, तो रेशियो इनकी फिक्स्ड है और आपस में भी इनकी रेशियो 2:1 है। इसी तरह से एक और एग्जांपल अगर ले लिया जाए, चलिए समझने के लिए, कि हाइड्रोजन को अगर हम रिएक्शन करें नाइट्रोजन के साथ तो क्या बनता है, अमोनिया बनता है NH3। यानी यहाँ पे अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2NH3 हो जाएगा, राइट ना, बैलेंस हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि थ्री वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे थ्री वॉल्यूम ऑफ क्या, हाइड्रोजन, यहाँ पे टू वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन और यहाँ पे टू वॉल्यूम ऑफ अमोनिया। तो इस तरीके से इनको आप 3:2, 2:2 ये रेशियो कह सकते हैं, और 3:2 की रेशियो कह सकते हैं। यानी ये जो होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल में एक रेशियो में होता है, दे कंबाइन इन द फिक्स रेशियो, राइट ना। सो वन वॉल्यूम ऑफ वन गैस बियर ए सिंपल रेशियो टू द वॉल्यूम ऑफ अनदर गैस एंड ऑल्सो बियर ए सिंपल रेशियो टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट दैट इज आउटपुट। तो ये चौथा रूल था, ठीक है।
नेक्स्ट रूल, सो द लास्ट वन इज एवोगाड्रो लॉ, एवोगाड्रो लॉ, एवोगाड्रो लॉ, ये क्या था फिफ्थ लॉ? इसमें ये कहा गया कि एट द इक्वल टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट इक्वल टेम्परेचर, टेम्परेचर एंड प्रेशर, इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेज, वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेज, गैसेज कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स, राइट? इट मीन्स व्हाट? इफ द वॉल्यूम इक्वल टेम्परेचर एंड प्रेशर आर इक्वल, देन इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड दैट इज लेटर एक्सप्लेन्ड एज एवोगाड्रो नंबर, राइट ना? एंड वी कैन कंसिडर इट दैट इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन, वेदर दे आर एटम और मॉलिक्यूल्स, दे कंटेन्स इक्वल नंबर्स. जैसे हम कहें कि एक देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ पॉलीएटॉमिक एंड डायएटॉमिक, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर डायएटॉमिक एंड वेयर इज सम अदर एलिमेंट्स व्हिच हैज कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल, मोर देन टू एटम्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल, दे आर कॉल्ड पॉलीएटॉमिक. सो ये सारी बातें जो है वो एवोगाड्रो लॉ के जरिए बाद में एक्सप्लेन किया गया. और उसके बाद एक डाल्टन साहब ने थ्योरी दिया था, उसको अब हम पढ़ लेते हैं. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी क्या था? इसके कुछ पोस्टुलेट्स थे. पोस्टुलेट्स मीन्स प्रूवन फैक्ट, जो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे डाल्टन ने दिया था वो उसकी एटॉमिक थ्योरी में आता है. और इसको हम समझते हैं कि क्या क्या है, क्या क्या पोस्टुलेट्स उन्होंने दिए थे. तो पहला पोस्टुलेट्स क्या था ये डाल्टन का, वो एक्सपेरिमेंटल हम देखते हैं. ऑल एटम्स आर मेड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल, स्मॉल यूनिट कॉल्ड एटम्स, एटम्स. सेकेंड पोस्टुलेट वॉज देयर दैट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट कम ऑफ सेम एलिमेंट्स, एलिमेंट्स हैविंग सेम मास, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम मास एंड एंड दे हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज, identical properties, identical properties, similar properties, you say same properties, similar properties, properties, right? And atoms of different elements, atoms of different elements, different elements may differ by mass, may differ, differ by mass. May differ by mass, differ by mass, by mass. So may have different mass, right? So the third law, what he has given is compounds are formed, compounds are formed by combination of elements, combination of atoms of different elements, atoms of different elements, different elements, right? In fixed ratio, in fixed ratio. And the last one is this four postulates were there that in which they say, he said that the chemical reaction atoms are reorganized,
इन केमिकल रिएक्शन एटम्स आर रीऑर्गेनाइज्ड, दे आर इनडिजिबल, इन डिविजिबल, तो इनडिजिबल, दे कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, डिस्ट्रॉयड, राइट। सो दीज आर फ्यू पोस्टुलेट्स विच इज गिवन बाई डाल्टन, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज पोस्टुलेट्स डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट थ्योरी एट दैट पॉइंट दैट टाइम। एंड इस थ्योरी के आधार पे हम लोगों ने बहुत सारी चीजें आगे डेवलप किया है और बहुत सारी चीजें आगे सीखा है। इनके थ्योरी के हिसाब से एटम्स को क्रिएट भी नहीं किया जा सकता था, एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड एज वेल, कैन नॉट बी क्रिएटेड, राइट। लेकिन ये फेल्ड हो गए, लॉ ऑफ केमिकल कंबिनेशन, ये इनके ड्रॉबैक्स थे। डाल्टन्स थ्योरी, डाल्टन्स थ्योरी अनेबल टू एक्सप्लेन, अनेबल टू एक्सप्लेन, टू एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कंबिनेशन, द लॉ ऑफ केमिकल कंबिनेशन, द लॉ ऑफ केमिकल कंबिनेशन, केमिकल कंबिनेशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि डाल्टन की जो पोस्टुलेट्स हैं, ये पोस्टुलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इनसे समझना चाहिए, सीखना चाहिए और इसे याद रखना चाहिए। ये बहुत आ सकता है स्कूल में लिखने के लिए और आपको जानकारी इसकी होनी। नाउ कंसिडरिंग एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, व्हाट इज दिस? एटॉमिक मास इज डिफाइंड एज, इट इज हाउ मेनी टाइम्स हेवियर देन, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज, एज इट इज हाउ मेनी टाइम्स हेवियर देन, टाइम्स हेवियर देन, देन 1/12 मास ऑफ, देन मास ऑफ 1/12 ऑफ C12, 1/12 ऑफ C12, C12, C12 मीन्स कार्बन एटम जिसका एटॉमिक मास 12 हो, कार्बन एटम जिसका एटॉमिक मास 12, दैट इज कार्बन आइसोटोप्स, कार्बन आइसोटोप्स, आइसोटोप्स हुज एटॉमिक मास इज 12, एटॉमिक मास इज 12, 12, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, मास यूनिट इन शॉर्ट कॉल्ड AMU, राइट ना, एटॉमिक मास यूनिट। बट नाउ इट इज जस्ट सेड डिस्क्राइब दिस एज यू ओनली, बट नाउ दैट इज यू ओनली, नाउ यू फॉर यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास, अब सिर्फ हम इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, बट ये यूनिफाइड मास होता है, एटॉमिक मास यूनिट। अब AKMU कितना होगा, तो कार्बन के जो मास है उसको डिवाइड किया गया तो 12 से, तो उसको AKMU कहा गया, ये होता है 1.66.056 इंटू 10^-24 ग्राम, ये AKMU की वैल्यू होती है। पहले क्या था कि हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड माना गया था, और हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड माना गया था तो हाइड्रोजन के मास से बाकी के मास को रिलेटिव कंपेयर किया जाता था, जो दुगना था उसको 2 माना गया, जो 3 टाइम्स था उसको 3 माना गया, लाइक दिस। बट कंपैरिजन हाइड्रोजन के साथ था तो हाइड्रोजन को रिलेटिवली यूनिट मान लिया गया और उसके हिसाब से दूसरे के मास को कैलकुलेट किया गया। बट लेटर ऑन इट वॉज फाउंड दैट C12, 1/12 ऑफ C12 इज मोस्ट अप्रोप्रिएट,
और इस हिसाब से हाइड्रोजन के मास को अगर कैलकुलेट किया गया तो हाइड्रोजन का जो मास होता है वन, वो कितना होता है, वन हाइड्रोजन AMU, हाइड्रोजन का जो मास होता है वो होता है मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन होता है, मास ऑफ वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, वन एटम ऑफ हाइड्रोजन जो होता है वो होता है कितना, तो ये होता है 1.7, 1.6736 × 10⁻²⁴ ग्राम। इस हिसाब से अब जो इसको स्टैंडर्ड यूनिट माना गया था, अब इसके हिसाब से मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट किया गया। सो नाउ एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कैन बी कैलकुलेटेड, अगर इससे कंपेयर किया गया तो ये हो गया 1.67 36 36 × 10⁻²⁴ डिवाइडेड बाई, कंपेयर किया गया इससे 1.66056 × 10⁻², तो इसका 1.0078 ये आता है। इसको हम इक्विवेलेंट टू 1.008 मान लेते हैं, ये मास माना जाता है हाइड्रोजन का। तो इस तरीके से ये एटॉमिक मास यूनिट जो है वो डिफाइन करता है कि कोई भी सब्सटेंस कितना गुना भारी है, हाउ मेनी टाइम्स हेवियर। हाइड्रोजन इज 1.008 टाइम्स हेवियर देन मास ऑफ 1/12 ऑफ C12, सो दैट इज व्हाई द एटॉमिक मास इज 1.008, राइट? ओके, नाउ द थिंग इज हियर, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। देयर आफ्टर द अनदर टर्म व्हिच यू नीड टू डिस्कस इज एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। अब ये एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है, ये है कि कई ऐसे सब्सटेंस हैं, कई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो एक से ज्यादा फॉर्म में मिलते हैं, यानी उनको आइसोटॉप्स कहते हैं। द एलिमेंट्स व्हिच इज फाउंड इन मोर देन वन फॉर्म, द एलिमेंट्स व्हिच हैज मोर देन वन आइसोटॉप, व्हिच हैज आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स आर फाउंड इन डिफरेंट अमाउंट, अमाउंट, राइट? सो द परसेंटेज ऑफ अमाउंट, द परसेंटेज ऑफ अमाउंट, परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ अवेबिलिटी, अवेबिलिटी, अवेबिलिटी ऑफ द एलिमेंट, आइस एलिमेंट टेकन केयर, टेकन इनटू कंसिडरेशन, कंसिडरेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज मास, एवरेज मास। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दैट, यहाँ पे अगर ये मैं बात करूं कि किसी का एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, फॉर एग्जाम्पल कार्बन हैज द फॉलोइंग आइसोटोप्स, थ्री आइसोटोप्स एंड देयर अवेलेबिलिटी इन परसेंटेज आर लाइक दिस एंड देयर एटॉमिक मास आर लाइक दिस, सो एवरेज एटॉमिक मास दैट कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस फैक्ट दैट, व्हाट इज दैट, एवरेज एटॉमिक मास कैन बी कैलकुलेटेड बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कैन बी कैलकुलेटेड, कार्बन कैन बी कैलकुलेटेड एज, कैलकुलेटेड एज व्हाट, दैट इज 12 × 98.892 प्लस 13.00335 × 1.108 प्लस 14.00317 × 2 × 10⁻¹⁰ एंड दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 12.011 एंड देयरफॉर एटॉमिक मास ऑफ, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज कंसीडर्ड टू बी 12.011 यू
यूनिफाइड मास। सो इन दिस वे एवरेज एटॉमिक मास कैन बी कैलकुलेटेड, एवरेज एटॉमिक मास कैन बी कैलकुलेटेड डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज ऑफ एब्रिविटी एंड देयर एटॉमिक मास। राइट, द नेक्स्ट टर्म इज मोलिकुलर मास। सो व्हाट इज दैट? मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास क्या होता है? द मास ऑफ अ मोलिक्यूल, द मास ऑफ मोलिक्यूल, मास ऑफ मोलिक्यूल, एटम्स मास ऑफ, टोटल मास ऑफ, ऐसे लिखे, द टोटल मास ऑफ एटम्स, द टोटल मास ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास, इट्स मॉलिक्यूलर मास, इट्स मॉलिक्यूलर मास। राइट, फॉर एग्जाम्पल द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, H2O कैन बी कैलकुलेटेड एज मास ऑफ टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन प्लस वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। सो दैट इज वन इंटू टू प्लस 16, दैट इज 18 AMU। हमने डेसिमल फ्रैक्शंस को नहीं लिखा है इसलिए ऐसे लिख सकते हैं, 18 अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख लिया है। सिमिलरली मास ऑफ, मोलिकुलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से मोलिकुलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 वी हैव टू कैलकुलेट, देन व्हाट इज दैट? मास ऑफ वन एटम ऑफ Ca प्लस मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन एंड प्लस मास ऑफ थ्री एटम ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। राइट, सो दैट कैन बी कैलकुलेटेड एज मास ऑफ वन एटम ऑफ कैल्शियम इज 40 प्लस मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन इज 12 प्लस 16 इंटू 3 दैट इज 100 U। ये हो गया मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, सो दैट इज कॉल्ड मोलिकुलर मास। सो आई होप आपको ये बातें सब समझ में आ गई होगी कि मोलिकुलर मास क्या है, एटॉमिक मास क्या है, और इसके बाद एक और शब्द है उसको हम समझते हैं, फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास ये क्या होता है? इंस्टेड ऑफ मोलिकुलर मास समटाइम्स वी कैलकुलेट फॉर्मूला मास फॉर दोज कंपाउंड्स व्हिच चार्ज पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। Means the elements are do not exist in their individual capacity, that is discrete elements cannot exist together. So they are combined and that is why they are considered to be formula mass. For example, NaCl, इसमें Na एक पॉजिटिव एलिमेंट है और दूसरा है नेगेटिव। Na जो है वो प्लस है और Cl जो है वो माइनस है। They do not exist discrete but they combine together in three dimensional structure. In such cases, we will consider the formula mass. So, formula mass of NaCl is the same thing, mass of sodium, sodium plus mass of chlorine, chlorine, right? Mass of chlorine, chlorine, mass of chlorine. राइट, तो इसमें मास ऑफ सोडियम कितना होता है 23, मास ऑफ क्लोरीन कितना होता है 35.5, सो दिस इज 58.5 U। ये हो गया, इस तरह से हम फॉर्मूला मास कैलकुलेट करते हैं। ये थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर में जैसा मैंने बताया, एक सोडियम जो होता है वो आपस में 6 क्लोरीन से सराउंडेड होता है। यहाँ पे इसके किनारे किनारे यहाँ पे क्लोरीन, ये है क्लोरीन, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, लाइक दिस। तो इस तरीके से ये 6 क्लोरीन से, एक सोडियम जो है वो 6 क्लोरीन से सराउंडेड होता है एक दूसरे के शेप में। यहाँ पे
दो, तीन, चार, पांच और छह। इस तरह से सिक्स क्लोरीन से सराउंडेड होता है और 3D स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें ये अकेले डिस्क्रीट फॉर्म में नहीं रह सकता, ये सब है क्लोरीन। एक सोडियम सिक्स क्लोरीन से कंबाइंड होता है और इस तरह से ये बनता है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड में Na+ और Cl- होता है, इसलिए ऐसी स्टेज में इनको ये दे डू नॉट रिमेन इन डिस्क्रीट फॉर्म, डिस्क्रीट फॉर्म, इसलिए इनको हम इंडिविजुअल कंसिडर नहीं करते। फिर भी इनका जो हमें फॉर्मूला, इसलिए मास तो हम कैलकुलेट मोलिकुलर मास ही कर रहे हैं, बट इसको हम कहते हैं फोलिकुलर मास, मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम। व्हाट इज दिस? दिस इज नथिंग एल्स बट मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम एंड मास ऑफ वन एटम ऑफ क्लोरीन, वन एटम ऑफ क्लोरीन। तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ नया किया हुआ है, लेकिन इसको हम एक नया टर्म देते हैं और उसको हम कहते हैं फॉर्मूला मास। सो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगली क्लास से हम मोल के बारे में सीखेंगे और मोल कंसेप्ट की जो विशेष अवधारणा है, जो कंसेप्ट है मोल का, उसके बारे में सीखेंगे और इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। टिल देन नमस्कार, बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर अमंग विथ योर स्टूडेंट्स एज वेल। अपने दोस्तों को भी बताएं, उनको भी लाभ देने मिलने दें और आप भी इसको देखें लगातार। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस।